नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही एक अहम चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो आप लोग सभी देख सकते हैं कि आज जो है, आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि ये जो फेसबुक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐड ओनली पीपल यू नो पर्सनली। आप लोग सभी जानते हैं ये क्या प्रॉब्लम है, ये सबको आता है। तो देखिए, सब लोग ये बोलते हैं कि ऐड ओनली पीपल कैसे ना आए, ठीक है। तो मैं इस आने का पीछे कारण और इसको कैसे बहुत सहज उपाय में आप कुछ भी करके इसको निभा सकते हैं, वो कारण, वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आज को दिखाता हूँ आपको वो चीज़। देखिए, बहुत जन है जिसका मतलब कोई भी पोस्ट में किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के टाइम पे ऐड ओनली पीपल यू नो आ रहा है, आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ऐड ओनली पीपल यू नो चीज़ क्या होता है। ये ऐड ओनली पीपल यू नो होता है कि मतलब आपके साथ किसी का अगर म्यूचुअल 10 से कम रहे, म्यूचुअल फ्रेंड अगर 10 से कम रहे, तो ये ऐड ओनली पीपल यू नो आने का बहुत बड़ा संभावना है। तो हम लोग सभी किंग, सभी लोग बायो पे लिखते हैं कि म्यूचुअल बढ़ाओ, म्यूचुअल बढ़ाओ। मैं भी बोलता हूँ म्यूचुअल बढ़ाओ, पर ये बढ़ाने का पीछे क्या रीज़न, ये उतना कोई नहीं बताता। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ इतना म्यूचुअल बढ़ाओ। म्यूचुअल बढ़ाने का कारण यही होता है, अगर आप 10 से 50 या उससे ज़्यादा अगर म्यूचुअल रखते हैं, तो ऐड ओनली पीपल आने का चांसेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को सभी को बता देता हूँ हमेशा कि म्यूचुअल बढ़ा लीजिए, म्यूचुअल बढ़ा लीजिए। म्यूचुअल बढ़ाने का रीज़न यही होता है, सब लोग बोलते हैं, पर मैं आपको रीज़न बता दिया। पकड़ लीजिए, किसी को ऐड ओनली पीपल आ गया, तो उस लोगों को क्या कर सकते हैं, यूसी ब्राउज़र यूज़ करेंगे जब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने से, तो 80% मैक्सिमम चांस होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ओनली पीपल यू नो आता है, ठीक है। बहुत जनों को नहीं आता जिसका म्यूचुअल, हाँ ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि भैया मेरा तो म्यूचुअल कम है फिर भी मेरा ऐड ओनली नहीं आता है। हाँ वैसे हो ही सकता है आपका म्यूचुअल बहुत कम, मतलब बहुत कम है फिर भी आपका, वो आपका फेसबुक अथॉरिटी, वो देखता है कैसे क्या करते हैं। वो प्लेस लोकेशन बहुत जगह से होता है, वो उतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। पर जो मेन मैटर है, यूसी ब्राउज़र से आपका ज़्यादातर ये ऐड ओनली पीपल आता है। कितना बोला मैंने, 80%। देखेंगे जिसका यूसी ब्राउज़र से ये ऐड ओनली पीपल उन्होंने आता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको हमेशा फेसबुक ऐप और फेसबुक लाइट यूज़ करके क्या करना चाहिए, उसको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। फेसबुक ऐप या फेसबुक लाइट अगर यूज़ करके आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आप ज़रूर देख सकते हैं उसका टाइमलाइन या उसका जो रिक्वेस्ट, बहुत ही आसान से चला जाएगा। ये प्रूफ है, एक एग्जांपल। जैसे देखिए, कल रात को मैंने ये किंगशुक राहुल, ये लड़के को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था, तो मैं इसको मतलब रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा था, पर आज सुबह मैंने भेजा इसको फेसबुक ऐप से, तो मेरा रिक्वेस्ट चला गया, ठीक है। ये एक पहला बात है। दूसरा लड़का ये है प्रूफ, इसको भी मैंने भेजने गया था पर ये नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको जब फेसबुक ऐप से भेजा तो आराम से रिक्वेस्ट चला गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता कि आप लोग जब भी किसी को ऐड ओनली पीपल आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फेसबुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए या FB लाइट, ये दोनों का यूज़ कीजिए, ठीक। तो और एक बात है कि ऐड ओनली पीपल, पकड़ लीजिए मेरे को रिक्वेस्ट डालने किसी को ऐड ओनली आ रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना है। मैं आपका, मेरा टाइमलाइन पे लाइक बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी अगर ऐड ओनली आया, तो उसका टाइमलाइन पे जाके उसका टाइमलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले 10-15 पोस्ट को लाइक कर दीजिए, और उसका जो DP है, DP में भी एक लाइक और एक कमेंट कर लीजिए, तो आपका आराम से ऐड ओनली पीपल यू नो हट जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई आपका कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे को YouTube वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको और भी एडवांस लेवल का कोई बता सकता हूँ, ठीक है। तो आइए और भी मैं एक चीज़ बता दे रहा, देखिए अभी मेरा टाइमलाइन का सपोर्ट कैसा चल रहा है, तो आप लोग सभी देख सकते हैं। ये देखिए हर टाइम जस्ट नाउ पे कितना चल रहा है, रुकिए एक बार रिफ्रेश के बाद आपको दिखाता हूँ। हर टाइम मैं कुछ एडिंग वेडिंग कुछ नहीं कर रहा, फ्रेंड लिस्ट हमेशा ओपन रखता हूँ। देखिए ओनली फ्रेंड लिस्ट में भी, फ्रेंड लिस्ट भी फुल नहीं है, फिर भी मेरा टाइमलाइन देखिए हर एक पोस्ट में। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और भी सपोर्ट कीजिए, और मैं डेली एक एक बेस्ट सपोर्टर का पोस्ट डालता हूँ। तो आप लोगों का देखिए जस्ट नाउ का पोस्ट है ये, हर टाइम जस्ट नाउ पे देखिए कितना लाइक चल रहा है। एक मिनट रुक के आप लोग सभी देख लीजिएगा, देखिए। तो और एक बात, बहुत बड़ा बात, मैंने आज से जो स्टार्ट किया, आप लोग देख सकते हैं आज का जो बेस्ट सपोर्टर रहा वो है शुभम पवार SP, ये लड़का, ये टाइमलाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो इसका देखिए मैं आज एक पोस्ट भी अपलोड किया,
ठीक है। तो आप लोगों को यार दिल में आप लोग अगर अंदर आए कि भाई हाँ सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना होता तो आप लोग भी मेरे को ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों का भी ज़रूर पोस्ट अपलोड कर दूंगा। ये भी बहुत अच्छा सपोर्टर है, इसका व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट करके कोई भी मेरा पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।